मैं प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। शहर के प्रतिष्ठित लाइफलाइन हॉस्पिटल में 15 अगस्त के मौके पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आजमगढ़ मिस्टर NP सिंह थे। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा गया कि अब मैं नहीं हम की भावना से काम करनी चाहिए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आजमगढ़ हमारे संज्ञान में पहले ऐसे शख्स हैं जो राष्ट्रीय पर्व के मौकों पर व्रत रहते हैं। इस व्रत रहने के पीछे क्या है कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। शहर के चर्चित लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर झंडारोहण हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर गायत्री कुमारी ने किया। इस दौरान पूरा हॉस्पिटल स्टाफ राष्ट्रगान के धुनों पर खड़ा रहा। झंडारोहण के बाद लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, जिसके बाद हॉस्पिटल के प्रमुख न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनुप कुमार सिंह, डॉक्टर गायत्री कुमारी, डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह सहित हॉस्पिटल के सभी चिकित्सक और स्टाफ बाकायदे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और अन्य महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किए। इस दौरान हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक के बाद एक हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। इन प्रस्तुतियों में जहां देशभक्ति गाने, देश की बातें, ज्ञान विज्ञान की बातें और चिकित्सकों की बातें कही गईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान जहां एक तरफ डॉक्टर अनुप कुमार सिंह ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने उद्घोषण में राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की बात कही गई, वहीं उनसे यह अपील की गई कि राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी चीजें नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए, फिर चाहे वह वृक्षारोपण हो, पौधारोपण हो या फिर कोई अन्य। कार्यक्रम के दौरान हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अनुप कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दी गई। इस दौरान आजमगढ़ जिलाधिकारी NP सिंह का कहना था कि राष्ट्र सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए और मैं नहीं हम की भावना से राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र की तरक्की होगी उसी में सबकी तरक्की होगी। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आजमगढ़ NP सिंह ने बताया कि पिछले 19 सालों से वह लगातार राष्ट्रीय पर्वों पर व्रत रहते हैं, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या अन्य कोई त्योहार। उनका कहना था कि यह पर्व हमारे लिए एक विशेष खुशियां लेकर के आते हैं, इसलिए इस पर्व को उन्होंने व्रत के रूप में लेने का संकल्प किया और आज के समय में वह और उनके कई परिचित लोग इन मौकों पर व्रत रहते हैं। साथ ही उन्होंने यह अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा लोग वृक्षारोपण करें और समाज को सुधारने में हर व्यक्ति अपनी अहम भूमिका निभाए। मैं सभी जनपदवासियों को पहले तो बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की भी और भारतीय संस्कृति की परंपरा के प्रतीक रक्षाबंधन की। दोनों का एक संगम होना बहुत ही अनूठा है और इसीलिए मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि शहीदों को नमन करने के लिए आवश्यक है कि हम जो गरीब हैं, मजलूम हैं, जो प्रगति के दौर में पिछड़ गए हैं लोग, जनपद के लोग, उनको जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो उनको मैराथन में, उनको दौड़ में सम्मिलित करने का प्रयास करें और ये व्रत लें कि हम उनकी रक्षा करेंगे। तो ये नारी के प्रति सम्मान और गरीबों मजलूमों के आर्थिक उन्नति के लिए रक्षा का व्रत लेने की अपील ही मैं सभी लोगों से करता हूँ। दरअसल मैं करीब 19 साल पूर्व से इन राष्ट्रीय पर्वों पर व्रत रह करके ईश्वर से उपासना करता हूँ राष्ट्र के लिए, और लोगों से भी अपील करता हूँ कि जब हम हर त्योहारों में व्रत रहते हैं, रोजे रहते हैं, इबादत आराधना करते हैं, तो जो राष्ट्रीय पर्व जो हमें एक नव भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, इन पर्वों को हम क्यों नहीं संकल्प के साथ उसी तरह स्वतः स्फूर्त मनाते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मैं सपरिवार व्रत रहना शुरू किया था। धीरे धीरे बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उससे और बच्चे, स्पेशली जो नए बच्चे हैं उनको मैंने देखा कि ज़्यादा प्रेरित होते हैं, नई पीढ़ी के लोग, और मैं कोशिश करता हूँ इसको कि एक ये परंपराएं होली, दिवाली, ईद की तरह बल्कि उससे भी बृहत्तर स्तर पर एक राष्ट्रीय पर्व लोगों के व्यंजन में और वस्त्र विन्यास में प्रतिध्वनित होने लगे। आप कहते हैं कि
लाइफलाइन यहाँ का एक अच्छा हॉस्पिटल है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। इनका कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस पर, तो मैं और उम्मीद करूँगा कि इनके चिकित्सक लोग और बाकी जो टीम है वो जनपद वासियों के जो भी दुख दर्द हैं उनके उपचार में और बेहतर ढंग से एक अच्छे त्याग और संकल्प के साथ करेगी, ये शुभकामनाएं विद्यालय की। वहीं कार्यक्रम के दौरान हॉस्पिटल के मरीजों में इस पावन मौके पर फलों का भी वितरण किया गया, जिसे लाइफलाइन हॉस्पिटल प्रशासन और जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।